तो हमने प्रेडिकेट के बारे में भी देख लिया एक सेंटेंस से, और हम देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट व प्रेडिकेट के बारे में। हम द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब मेरे पास वर्ब हुई ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टैंड स्टूड और स्टूड, ये वी वन, ये वी टू और ये वी थ्री। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में जानेंगे और प्रेडिकेट है क्या हमारा। तो बॉय हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो हु से मैंने क्वेश्चन पूछा, हु का मुझे रिप्लाई मिला क्या, हु स्टूड ऑन द बर्निंग बैक डेक का रिप्लाई मुझे मिला द बॉय, द बॉय मेरा यहां पर क्या हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा कीवर्ड था व्हाट या होम, जो मुझे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में और ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। व्हाट बॉय स्टूड, व्हाट बॉय स्टूड, तो इस क्वेश्चन में पहले व्हाट से पहले एक चीज और देख लेते हैं, स्टूड के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है, स्टूड के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी प्रेपोजिशन होगी वर्ब के बाद, तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, वो नाउन या प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा किसका, उस प्रेपोजिशन का। तो द बर्निंग डेक ऑब्जेक्ट है किसका, एक प्रेपोजिशन का। तो इस वर्ब का अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। हम इस वर्ब के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे वर्ब वाले चैप्टर में। बेसिकली हमको फिलहाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन और प्रेडिकेट के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक जानेंगे, बाकी जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी हम जानेंगे वर्ब चैप्टर के अंदर। इसके बारे में काफी डिटेल में हम बात करेंगे। हम बेसिकली वर्ब को जब ड्राइव करते हैं एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं, हम उसके बारे में वर्ब चैप्टर में बात करेंगे। ठीक, तो मेरा सब्जेक्ट मुझे मिल गया, वर्ब मुझे मिल गई, प्रेपोजिशन, और ये मेरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं बात करता हूँ प्रेडिकेट की, कि एक प्रेडिकेट क्या था। प्रेडिकेट मैंने जैसे कि बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए कि एक्चुअल में हम क्या सीख रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार जब आप एक चीज़ को रिपीटेशन में सुनोगे तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगी। तो प्रेडिकेट है क्या, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये मेरा सब्जेक्ट, अब मैंने जैसे कि प्रेडिकेट के बारे में बताया था, अबाउट द सब्जेक्ट कंटेन्स वर्ब विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, विद वर्ब विद ऑब्जेक्ट और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो क्या इस सेंटेंस में इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं, इस वर्ब में प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहां पर प्रेडिकेट है मेरा वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब और ये विदाउट ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट मेरा हुआ इस सेंटेंस में वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक बता रहा है द बॉय के बारे में, विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, क्योंकि मैंने जब मैंने पूछा हु से क्वेश्चन, हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये मेरा हुआ पूरा ऑब्जेक्ट, और हु का मुझे रिप्लाई मिला था क्या सब्जेक्ट। तो बात मेरी कन्फर्म हो रही है किससे, हु से, कि हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये मेरा हुआ पूरा प्रेडिकेट
और हु का जब मुझे रिप्लाई मिला तो हु का रिप्लाई मुझे मिला द बॉय। तो इस सेंटेंस में हमने सारी बात देख लिए। तो अब हम चलते हैं एक नई चीज के बारे में, जानते हैं हम फ्रेजेस। फ्रेज के बारे में हम जानते हैं, अभी तक हमने लेटर, वर्ड, सेंटेंस और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। अब जानते हैं हम फ्रेज है क्या। फ्रेज भी होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसा कि मैंने सेंटेंस भी बताया था। सेंटेंस भी होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है, मैंने ये बताया था कि सेंटेंस तो होता है जो एक मीनिंगफुल सेंस कन्वे करे, मीनिंगफुल सेंस कन्वे करे। लेकिन जो फ्रेज होता है वो मीनिंगलेस सेंस कन्वे करता है। जैसे मैंने एक कुछ वर्ड लिखे, मैंने लिखा इन अ कॉर्नर, इन अ कॉर्नर। मीनिंगलेस सेंस का मतलब ये नहीं है कि किस उसका कोई मीनिंग ही ना हो। मीनिंगलेस सेंस का मतलब ये है कि वो कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट सेंस ना दे, जिससे हमें पूरा ना पता चले कि वो कहना क्या चाह रहा है। जबकि सेंटेंस में हमें पूरा ये पता चलता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या काम कर रहा है। तो सेंटेंस में हम कंप्लीट सेंस की बात करते हैं, कंप्लीट सेंस की बात करते हैं। लेकिन हम फ्रेज में कंप्लीट सेंस की बात ना करके इनकम्प्लीट सेंस की बात करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा इन अ कॉर्नर, तो इन अ कॉर्नर की सेंस तो है, लेकिन क्या इसका कोई कंप्लीट मीनिंग मुझे मिल रहा है? क्या मुझे इसके बारे में ये पता लग रहा है कि इन अ कॉर्नर कौन है कॉर्नर में, या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मिल रहा। तो यही है मेरा फ्रेज जो कंप्लीट सेंस ना दे। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। अब मैंने ये पूरा सेंटेंस लिखा, मुझे इस पूरे सेंटेंस की एक सेंस मिल रही है, मुझे सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रही है, प्रेपोजिशन भी मिल रही है, और ये ऑब्जेक्ट भी मुझे मिल रहा है, किसका? प्रेपोजिशन का। अब मैं इसमें तीन कीवर्ड देख रहा हूँ, ऑन अ वॉल, ये मेरा एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है, ऑन अ वॉल। तो इस फ्रेज में मैंने, यदि मैं हम्प्टी डम्प्टी को सपोज यहां से हटा देता हूं, मैंने हटा दिया हम्प्टी डम्प्टी को, अब मैंने सिर्फ लिखा ऑन अ वॉल, तो ऑन अ वॉल को लिखने से क्या मुझे पूरी सेंस कन्वे कर पा रहा है? ये ऑन अ वॉल इस सेंटेंस की पूरी सेंस क्या कन्वे कर पा रहा है? नहीं, मेरे पास आंसर मिला नहीं, ये पूरी सेंस नहीं कर पा रहा। और जैसे ही मैंने इस हम्प्टी डम्प्टी को इस फ्रेज से जोड़ा तो ये पूरी सेंस कन्वे कर पा रहा है। तो यही डिफरेंस है मेरा सेंटेंस और फ्रेज में, कि फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। डिफरेंस क्या है? सिर्फ कंप्लीट सेंस और इनकम्प्लीट सेंस का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये उठता है कि आखिर हम फ्रेज को जाने कैसे, कि फ्रेज एक सेंटेंस में फ्रेज के वर्ड्स जो ग्रुप में यूज हुए हैं वो एक्चुअल में कैसे हम उसको पहचाने कि वो फ्रेज, फ्रेज के जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, बेसिकली फ्रेज को हम जब फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो हम इसको तीन पार्ट में करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा नाउन फ्रेज, एक पार्ट होता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, और एक पार्ट होता है हमारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। जब हम एडवर्ब फ्रेज की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स काम करते हैं एडवर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए। जैसे मैंने वेयर लिखा,
when लिखा, ठीक है, noun phrase को पहचानने के लिए, जैसे मैंने लिखा what लिखा, और adjective phrase को मैंने पहचानने के लिए लिखा what kind of. तो इस क्वेश्चन में मैंने जब इस सब्जेक्ट और वर्ब से क्वेश्चन पूछा किसके माध्यम से, सपोज मैंने वेयर के माध्यम से पूछा, क्या वेयर हम्प्टी डम्प्टी सेट, हम्प्टी डम्प्टी की जगह मैं एक सिंपल सा सब्जेक्ट रख देता हूं, यहां पर सपोज राम लिख देता हूं मैं यहां पर. तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या वेयर राम सेट, राम सेट ऑन अ वॉल. तो मुझे वेयर का रिप्लाई मिला ऑन अ वॉल. बेसिकली वेयर का जब रिप्लाई मिलता है ये प्लेस से रिलेटेड होता है, किसी जगह के बारे में बताता है, और ऑन अ वॉल एक जगह के बारे में बता रहा है कि वो कहां पर खड़ा हुआ है, कहां पर सॉरी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है कहां पर, एक वॉल पर. तो जगह का नाम बताया उसने, कहां जगह के बारे में बताया उसने, कहां वो बैठा हुआ है वॉल पर. तो ऑन अ वॉल, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मिलते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड समटाइम वर्क एज अ फ्रेज. तो यहां पर मेरा फ्रेज कौन सा काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज. थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक से अपर जा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि हम इसको बाद में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको जब इन नाउन चैप्टर को पूरा जब डिस्कस करेंगे, एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे और एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा. लेकिन मेरे को थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक बेसिक बातें शुरू में पता चलती चली जाए और आपका बेस बनता चला जाए. यदि मैं इन चीज़ों को एक चैप्टर के साथ बताऊंगा तो हो सकता है आपको उस टाइम थोड़ी सी अटपटी लगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी ताकि आपको शुरू से ही क्लियर होती चली जाए. तो मैंने पूछा क्वेश्चन किससे, राम से, और राम से पूछा, और वर्ब की भी मैंने हेल्प ली, वेयर राम सेट, राम सेट ऑन अ वॉल. तो मुझे वेयर का आंसर मिला ऑन अ वॉल. तो ये मेरा हुआ पूरा ऑन अ वॉल एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज. ठीक है, दूसरे फ्रेज की हम बात कर लेते हैं, दूसरे फ्रेज की हम बात कर लेते हैं. क्वेश्चन में ले लेता हूं क्या, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो मेरे पास बेसिकली यहां पर सब्जेक्ट ये हुआ, ये मेरे पास वर्ब हुई, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हुआ. ये ऑब्जेक्ट ना होकर हम इसको कॉम्प्लीमेंट का नाम दे देते हैं, या इसको आप कॉम्प्लीमेंट को यहां पर छोड़ दो. आपको जब मैं चैप्टर डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट है क्या. बेसिकली इसको अभी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो, आ सनसेट को आप ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो. तो इट वॉज अ सनसेट. तो मैंने क्वेश्चन पूछा किससे, व्हाट काइंड ऑफ से, व्हाट काइंड ऑफ से. जब हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछते हैं, के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं. किससे क्वेश्चन पूछते हैं, हम एक नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं. तो मेरे पास सनसेट यहां पर एक नाउन है, ठीक है. तो मैंने नाउन से क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट काइंड ऑफ अ सनसेट इट वॉज, व्हाट काइंड ऑफ सनसेट इट वॉज. तो व्हाट काइंड ऑफ सनसेट इट वॉज, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी मुझे मिला रिप्लाई में ऑफ ग्रेट ब्यूटी. तो ये मेरा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है. आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं कि किसी भी नाउन के बारे में पूछ लिया जाता है. जैसे हम जब स्टेट लेवल के एग्जाम्स पे जाते हैं या यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स पे जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह फ्रेज कौन सा है, ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, या एडजेक्टिव फ्रेज है. तो इसलिए मैं आपको बेसिक बातें बताता जा रहा हूँ ताकि आपका जो
बेसिक है बिल्कुल बन जाए। तो हमने फ्रेजेस की बात करी, बात कर ली हमने फ्रेजेस की, अब बात करते हैं हम उसके बारे बाद में क्लोज की, कि क्लोज है क्या, क्लोज है क्या। हमने बात करी थी पिछले कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की और सेंटेंसेस की। तो बेसिकली हमने जब बात करी सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या और सेंटेंसेस है क्या। अब बात करते हैं हम क्लोजेस की। तो पहले हम क्लोज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्लोज होता क्या है। क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेन्स वर्ड सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो सपोज मैं एक सेंटेंस आपके आगे लिखता हूं, सेंटेंस मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही हैज अ चैन, ही हैज अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूं आपके आगे, दूसरे सेंटेंस में मैं एक चीज आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा किस में फ्रेज और क्लोज में। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैज अ चैन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चैन ऑफ गोल्ड। इस गोल्ड को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूं, ऑफ गोल्ड। तो इन दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस है मेरा फ्रेज का, एक सेंटेंस है मेरा क्लोज का। तो मुझे पहचानना है कि क्लोज बेसिकली है क्या। फ्रेज के बारे में बात कर चुका हूं जो कंप्लीट सेंस ना दे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे। अब मैंने ये लिखा, ही हैज अ चैन ऑफ गोल्ड, तो मैंने what kind of a chain he has, तो मुझे रिप्लाई मिला, ही हैज अ चैन ऑफ गोल्ड। वट काइंड ऑफ का मतलब किस तरह की चैन है उसके पास, किस तरह की चैन है उसके पास है गोल्ड की चैन। तो ऑफ गोल्ड मेरा रिप्लाई मिला, ये मेरा हुआ फ्रेज, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ मेरा यहां पर। लेकिन जब मैं क्लोज की बात करता हूं, तो क्लोज मैंने लिखा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फॉर्म करते हैं किसको, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसमें कंटेन होता है क्या, एक सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मैंने जैसे कि आपको डिफाइन करा था, वर्ब विद ऑब्जेक्ट और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में मेरे पास ही हैज अ चैन है उसके पास, जो किससे बनी है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो जो विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, हम इसके बाद ये देख रहे हैं, ये मेरी वर्ब है, इज मेड मेरी ये वर्ब है, और ऑफ गोल्ड मेरा, ये ऑफ मेरी प्रेपोजिशन है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो विच यहां पर काम कर रहा है, ये बेसिकली सब्जेक्ट का
काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको लिंक कर रहा है, ये चेन के बारे में बता रहा है। सपोज मैं विच इज मेड ऑफ गोल्ड को यहां से हटा देता हूं, सपोज मैंने इसको यहां से हटा दिया, अब मैंने लिखा सिर्फ ही हैज अ चेन, ही हैज अ चेन। तो इस सेंटेंस में आप ये देखो ही हैज अ चेन। अब इसने बोला विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच का मतलब जिसके बारे में ये बात कर रहा है, विच किसके बारे में बात कर रहा है, चेन के बारे में बात कर रहा है, चेन के बारे में बात कर रहा है, तो विच यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ठीक है। विच के बाद यहाँ पर मेरी वर्ब है इज मेड ऑफ गोल्ड, ऑब्जेक्ट हुआ मेरा यहाँ पर, ठीक। तो मैंने कहा जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, तो मेरा ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेरी वर्ब हुई इज मेड, और ये ऑफ मेरी प्रेपोजिशन हुई, गोल्ड मेरा ऑब्जेक्ट हुआ किसका, प्रेपोजिशन का। तो क्लोज बेसिकली मेरा यहां से डिफाइन हो रहा है सब्जेक्ट विदाउट वर्ब, सब्जेक्ट विदाउट वर्ब। तो प्रेडिकेट मेरा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ऑब्जेक्ट और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्लोज के बारे में भी, क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो फॉर्म करते हैं किसको, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और कंटेन होता है क्या, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब से यहाँ पर मतलब प्रेडिकेट विद ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब प्रेडिकेट को हम बाइफरकेट करते हैं, तो प्रेडिकेट को जब हम बाइफरकेट करते हैं, तो इसको हम बेसिकली बाइफरकेट करते हैं ऐसे, वर्ब विद ऑब्जेक्ट और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। एक मैं दूसरा सेंटेंस आपको लिखता हूं ताकि आपको चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज आई थिंक दैट यू, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब इस क्वेश्चन में मैंने व्हाट से क्वेश्चन पूछा है, पहले तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेरी वर्ब हुई, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो मेरी ये अगेन हैव मेड एक वर्ब हुई, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और ये मेरी इस वर्ब का अ मिस्टेक ऑब्जेक्ट हुआ, व्हाट यू हैव मेड, व्हाट यू हैव मेड, ही मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक। तो मुझे रिप्लाई मिला, वर्ब का व्हाट यू हैव मेड, तो व्हाट से मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू हैव मेड अ मिस्टेक, अ मिस्टेक ऑब्जेक्ट हुआ किसका, इस वर्ब का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लोज क्या है, एक जिसके अंदर कंटेन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो मेरा ये सब्जेक्ट यहाँ पर कंटेन है, ये मेरी वर्ब है, और प्रेडिकेट क्या है, वर्ब विद ऑब्जेक्ट और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा वर्ब हुआ और ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये मेरा सब्जेक्ट भी हो गया और ये मेरा पार्ट पूरा हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बताता है किसको, क्लोज को, ठीक है। और जब हम इन दोनों चीज को जोड़ देते हैं तो मेरा ये पूरा हुआ एक सेंटेंस, ठीक है। तो बात आई आपको समझ में, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीख ली, हम थोड़ा सा क्लोजेस और फ्रेजेस को और अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें बताई हैं, अब हम मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पर चलते हैं जो हमें बेसिकली सीखनी है। हम चलते हैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, हम चलते हैं जो हमें सीखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 होती हैं, जिसमें पहली होती है मेरे पास नाउन, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी एडजेक्टिव, चौथी एडवर्ब, पांचवी वर्ब, छठी प्रेपोजिशन, सातवीं कंजंक्शन और आठवीं
इंटरजेक्शन। तो हमें बेसिकली आठ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी है। अब मेरे दोस्तों के मन में, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो आर्टिकल भी पढ़े हैं कभी और हमने तो टेंसेस भी पढ़े हैं, तो सर ये पार्ट ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल और टेंस पार्ट ऑफ स्पीच क्यों नहीं है। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं और टेंसेस की बात करते हैं, टेंसेस बेसिकली पार्ट ऑफ अ वर्ब होता है, या इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि टेंस एक टाइम होता है जो वर्ब की हेल्प से रेफरेंस देता है। किसका रेफरेंस देता है? टाइम का। टेंस क्या है? एक टाइम है। टेंस क्या है? एक टाइम है जो वर्ब की हेल्प से रेफरेंस देता है टाइम का। रेफरेंस देने का मतलब यहां पर ये है, वर्ब की हेल्प से ये बताता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। मैंने लिखा आई गो टू माई स्कूल। मैंने यहां पर प्रेजेंट वर्ब यूज करी और मैंने जब लिखा आई वेंट टू माई स्कूल, मैंने यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, पास्ट की बात करी मैंने यहां पर, ये मैंने प्रेजेंट की बात करी। अब यदि मैं इसको फ्यूचर में लिखता हूं, आई विल गो टू माई स्कूल, अब ये मैंने फ्यूचर की बात करी, तो वर्ब की हेल्प से रेफरेंस दिया किसका? टाइम का, कि वर्ब हमारी प्रेजेंट बता रही है, पास्ट बता रही है या फिर फ्यूचर बता रही है। तो बेसिकली हम जब टेंस को वर्ब की हेल्प से यूज करते हैं तो इसलिए हम इसको पार्ट समझते हैं किसका? वर्ब का। तो इसलिए हम टेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझते, बल्कि इसको हम सब पार्ट समझते हैं किसका? वर्ब का। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही मेरे पास दूसरी चीज क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक तो होता हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो ए एन आर्टिकल की बात करते हैं, और दूसरा हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो बेसिकली हम द की बात करते हैं। और एक दूसरी चीज हम इसके बारे में जानते हैं, जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल हम बेसिकली किसी भी एक नाउन के लिए यूज करते हैं। नाउन से पहले यूज होते हैं। जैसे मैंने लिखा आ बॉय, आ गर्ल। अब नाउन से लिखने से, नाउन से पहले हमने इसको लिखा आ बॉय और आ गर्ल। और बेसिकली हमको एक चीज और पता है, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव भी हम किसी नाउन से पहले लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा बैड बॉय और बैड गर्ल। तो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। और बेसिकली पहले आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में बांटा गया था, एक अलग टॉपिक इसके बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन इसको बेसिकली एक अलग टॉपिक तो कर दिया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की लिमिट के बारे में बताते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल्स भी एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इन आर्टिकल्स को रिलेट किया जाता है एडजेक्टिव की कैटेगरी से, तो इसलिए भी इनको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं माना जाता। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल्स और टेंसेस को हम पार्ट ऑफ स्पीच क्यों नहीं मानते। ठीक है, बाकी की डिटेल हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास आठ पार्ट ऑफ स्पीच है। हम आठ पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक लाइन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि एक्चुअल में वो पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो वर्ड्स काम क्या करते हैं।